डियर स्टूडेंट्स मुझे आपसे इस मॉड्यूल में फोनोलॉजिकल लर्निंग के बारे में बात करनी है फोनोलॉजिकल लर्निंग मीन स्टडी ऑफ साउंड्स और इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड रूट फोन विच मीन्स वॉइस आर साउंड जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज है वो साउंड से शुरू करके फिर सेलेबस uh, uh, बनते हैं सेलेबल्स से वर्ड्स बनते हैं वर्ड्स सिंगल वर्ड फिर मल्टी टू वर्ड स्टेज फिर थ्री वर्ड स्टेज या मल्टी वर्ड स्टेज इस तरह मिला के वो सेंटेंसेस की शक्ल इख्तियार करते हैं लेकिन इसकी चुके बुनियाद या साउंडस हैं है, तो इसलिए हमें लैंग्वेज सीखने से पहले या लैंग्वेज सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम साउंडस को की जो टाइप हैं या साउंड की जो जिस तरह साउंड्स लैंग्वेज तो में यूज़ होती हैं उनको सीखा जाए और ये साइंस ऑफ फोनीम्स है इसको रेफ़र किया जाता है फोनोलॉजिकल लर्निंग को इस, इस रेफर टू द साइंस ऑफ फोनीम्स यानी स्पीच साउंड्स की ये स्टडी है और ये फोनीम्स क्या है दीज आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग फ़ोनोलॉजिकल लर्निंग इज़ रेफर टू द एक्विशन ऑफ सिस्टम ऑफ स्पीच जो बच्चा एक लैंग्वेज बोलने के लिए आ, सीखता है जो वर्ड्स फिर उसने उसके बाद वर्ड्स की स्टेज पर आना है लेकिन वह वर्ड्स की स्टेज से पहले साउंडस को मुकम्मल तौर पर फोनियम्स को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करेगा और फिर वर्ड्स की स्टेज पर आएगा और उसकी फोनोलाजिकल अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दायरिंग ऑफ लैंग्वेज That दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ़ हीज़ आर हर लर्निंग language or acquiring language. और फोनमिक अवेयरनेस जो है फोनोलॉजिकल कोडिंग है एंड रिकवरी ऑफ फोनोलॉजिकल कोड्स है ये फोनोलॉजिकल जो लर्निंग uh, है ये कोडिंग है यानी कोड क्या होता है उसको कोई मीनिंग्स देना और रिकवरी ऑफ फोनोलॉजिकल कोड्स तो रिकवर करना उसको दोबारा किसी चीज़ को रिट्रीव करना किसी वर्किंग मेमोरी से उसको दोबारा उसको आ, निकालना या रिकवर करना ठीक है और इस द फोनोलॉजिकल लर्निंग इन्वॉल्व द बिकमिंग अवेयर ऑफ साउंड ऑफ स्पोकन लैंग्वेज तो लैंग्वेज जो इसमें सबसे जो लैंग्वेज लर्निंग का या एक्विजिशन का जो सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव है या पहला काम है वो स्पोकन है यानी लिसनिंग के बाद स्पोकन है और आ, जो करेक्ट लिसनिंग है फिर वो करेक्ट स्पोकन पर होती है और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस जो है होल्डिंग द इंफॉर्मेशन इन वर्किंग मेमोरी क्या होता है कि जब आप फोनियम्स या जो ये आप वर्किंग मेमोरी में जो चाइल्ड की में वो इंफॉर्मेशन सेव होती है उसको वहाँ से रिट्रीव करना होता है रिट्रीव करने से मुराद ये उसको रिपीट करना या उसको दोबारा बोलना तो इस तरह वो वो वर्किंग मेमोरी से फिर परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है जो यानी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और याद रखने के काबिल होती हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के मुताबिक वो फिर परमानेंट मेमोरी में चली जाती है और वर्किंग मेमोरी में फोनियम्स को सेव किया जाता है उससे वो रिट्रीव करके तो फिर लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस में फ़ोनीम्स या फोनोलॉजिकल लर्निंग के लिए उनको यूज़ किया जाता है और एक्सेसिंग फोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रिकवरिंग द इंफॉर्मेशन रिकवर करना क्या मतलब है कि इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी वर्किंग मेमोरी में सेव होती है उसको रिकवर करना रिट्रीव करना दोबारा उसको uh, निकालना और uh, उसको जो उसके जो फोनोलॉजिकल कोड्स हैं उनको रिकवर करना यानी कोड्स से मुराद ये कि जो उसके जो उसके मीनिंग्स दिए गए हैं उसको पहचान के लिए या उसकी कैटेगरीज बनाने के लिए और मेकिंग एसोसिएशन बिटवीन द साउंड्स एंड प्रिंटेड सिम्बल्स जो लैंग्वेज के प्रिंटेड सिम्बल्स हैं और उन साउंड्स के दरमियान एक रिलेशनशिप बनाना इसके लिए हम फोनोलॉजिकल कोर्ड्स को रिट्रीव करते हैं और इससे हम बातचीत करते हैं और हरारकी ऑफ़ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्किल्स जो है वो मुश्तमिल होते हैं पे इस राइम यानी तरन्नम के साथ पढ़ना एलिट्रेशन उसको रिपीट करना दोहराना ब्लेंडिंग उनको ब्लेंड करना जोड़ना सेगमेंटिंग उनको अलग करना यानी क्या है सेंटेंसेस के जो वर्ड्स हैं या फोन वर्ड्स के जो फोनियम्स हैं उनको जोड़ना और उनको अलग करना ठीक है और मैनुपलेन मैनुपलेन यानी चेंज करना तो इस तरह ये एक चीज़ें हैं ये जो हरारकी है उस ये उन स्किल्स की लैंग्वेज डेवलपमेंट uh, या लैंग्वेज लर्निंग या लैंग्वेज एक्विजिशन जो है जब आप लर्न uh, कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें uh, इसका उसमें लाजमी पार्ट के तौर पर शामिल होती हैं ये क्रिटिकल प्रोसेस है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इट्स क्रिटिकल प्रोसेस या क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स देखिए लिटरेसी स्किल्स यानी उन uh, वो स्किल्स जिनके बारे में यानी वो फोनीम्स या वो जो आप साउंड्स हैं उनको आप सीख रहे हैं और उनसे वर्ड्स बना के आप उनको नेमिंग कर रहे हैं और ये आपके जो है क्या आपकी हेल्प करती है चीज़ों को बच्चों को किड्स को रिकगनाइज़ करने में और वर्क विद द साउंड्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज तो स्पोकन लैंग्वेज के वर्ड्स के से में बातचीत करने के लिए उनकी हेल्प करती है और ये लिटरेसी स्किल्स हैं जो हमें वर्ड्स की के जरिए हम और फिर वर्ड्स को भी फोनीम्स के जरिए हम इसको आ, आ, समझते हैं और चाइल्ड भी उसको अंडरस्टैंड करता है और बोलता है और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज़ मेड अप ग्रुप ऑफ़ स्किल्स एग्जांपल्स इंक्लूडिंग एबल टू आइडेंटिफाई वर्ड्स दैट राइम यानी ये जो वर्ड्स हैं उनको राइम करना ख़ास तौर पर अब देखें पोइट्री है ना तो पोइट्री जो पोएम्स हैं उनके वर्ड्स को राइम्स करते हैं और इससे भी बच्चों में एक लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए उनमें इंटरेस्ट पैदा होती है और बच्चे ख़ुद भी लैंग्वेज वो राइम वर्ड्स के ज़रिए वो लैंग्वेज को सीखते हैं और फोनीम्स को मिलाकर वर्ड्स सीखते हैं और फिर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ नेम रिकगनाइजिंग साउंड पैटर्नस तो साउंड पैटर्न्स को रिकगनाइज करते हुए और जो नेम ऑब्जेक्ट्स को नेम दिए जाते हैं जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि देखें लैंग्वेज डेवलपमेंट में वर्ड्स क्या होते हैं दीज आर नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स चीज़ों को नेम करने से होते हैं और सेगमेंटन सेगमेंटेशन ऑफ सेंटेंसेस सेंटेंसेस के जो वर्ड्स हैं उनको ब्रेक करना जैसे एक सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इनको सेपरेट करके इनको आ, उसकी तशरी करना उसके बारे में अंडरस्टैंड करना और वर्ड्स में सेलेबल्स को मारफीम्स को अंडरस्टैंड करना और जो किसी भी लैंग्वेज को आ, सीखने की जो मोस्ट रिफाइंड फॉर्म है वो फोनमिक अवेयरनेस है तो ये थी जनाब लैंग्वेज के बुनियाद है फोनियम्स की फोनोलॉजी की स्टडी